तो आपको कितना अफेक्ट करती है? ज़्यादा इमोशनल इंसान है आप? कैसे इमोशनल ज़्यादा मैं थोड़ा, अच्छा इमोशनल, इमोशनल थोड़ा ज़्यादा मैं, पर हाँ इमोशनल ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं की चक्कर है कि इमोशनली थोड़ा, अगर मान लो कोई भी इमोशनली 10 मिनट गल कर ले तो आप हो जाएगा भी ठीक है भाई कोई चक्कर नहीं। थोड़ा साथ देना किसी ने, परमात्मा ने साथ देना, तो थानू कुछ करने की लोड़ नहीं पैंदी, तुसी बस काम करना ना, तुसी काम करोगे वो चीज़ ऑटोमैटिकली है ना थोड़े थ्रू किसी के थ्रू वो जिथे चीज़ की जगह आ उत्थे पहुँच जाने। जो आप कुछ भी नहीं सी, हूँ भी कुछ नहीं, मतलब जब स्टार्टिंग दे विच तुहानू कोई जानता नहीं होंदा है ना, कुछ लोग होंगे यार की कर रहे हैं यार काम कर लगे है ना, लेकिन उदो भी उस वो भाई कहता यार कोई चक्कर नहीं है ना। मैनू अज भी याद आ कि जे चंडीगढ़ आना ना तो 500 रुपया मेरे तो आता है, तो 500 बाई लेंदा है, 500 किराया पा के तो चंडीगढ़ आईदा होंदा है। अब जब टीवी पे गाना आता है या यूट्यूब पे उस पर लिरिसिस्ट लिखा होता है आपका नाम होता है फरमान जी, तो अब उनका रिएक्शन क्या होता है? बहुत खुश होते हैं, सीरियसली बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं पहला मैं फोन पे अगर गल कर भी अगे गाने किए हुए हैं, वो कहते रुकना नहीं, जो तू चल पाया तो हम रुकना नहीं, जो कोई दिक्कत परेशानी तो सानू दस, पर रुकना नहीं। सत श्री अकाल फरमान, कीवें तुसीं? वधिया जी, सत श्री अकाल मैम, वेलकम टू बलेवाली मैगजीन्स कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फरमान, पहला तो मैनू ये दसो कि मैं तुहानूं फरमान बुलावां जां सुमित? तुसीं मैम फरमान बुला लो चाहे सुमित, इक्को ही गल है, क्योंकि सुमित भी मैं हां फरमान भी मैं हां, ते कोई एडी प्रॉब्लम नहीं। तुसीं मोहाली कब शिफ्ट होए? मैम मोहाली मैं रिसेंटली 2 साल तो वैसे पहला आउंदा सीगा जदों काम दे सिलसिले च, तो पहला मैं आता सी चल जाता सी, लेकिन परमानेंट मैं शिफ्ट 2 साल हो गए, 2 साल तो मैं रह रहा इतने मोहाली, तो पहला आता सी चले जाता काम करता सी गाने दिता सी, तो वो आना जाना मुश्किल हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा काम की वजह से आपके बहुत ज़्यादा रहना बहुत मुश्किल सी। अच्छा, लेकिन कुछ यार वधिया मिल जाते सानू फिर ईजी हो जाती चीज़ें। बिल्कुल, तो हुण तुसी जलंधर का की सब तो ज़्यादा मिस करते हो? जलंधर वा जब पिंड चाहिए तो पिंड दे यार थोड़ा यार दोस्त जिहड़े नाल हुंदे ओह नहीं मिलदे हुण, क्योंकि ओह वी बिजी ने कम्मां करां, जदों आपां जाईदा ते नहीं मिलदे, बस उही आ, सो उही चीज़ां मिस करदे आपां जाता। तो जलंधर से बचपन की कैसी यादें जुड़ी हैं? फैमिली जलंधर तो जलंधर तो बेसिकली मैं पिंड है अपना जलंधर तो 10 किलोमीटर चननपुर, चननपुर हाँ जी, तो उत्थे आपां शुरू तो उत्थे बचपन उत्थे स्कूलिंग सब कुछ उत्थे हुआ, ते बस उत्थे खेडदे हसदे खेडदे आपां इधर नूं हो गए। अच्छा, तो इधर नूं हो गए, ये इंटरेस्ट कैसे आया राइटिंग में? शुरू से ही बचपन में स्कूल कॉलेज में दिखा करते थे? जदों मैं स्कूल दे विच सी ते उदों इदां लगदा सी वी गाने सुनने है ना वधिया लगदे सी, ते गाने सुनने उन्हां गाई जाणा, पहलां गाउण दा शौक हुंदा सी। अच्छा, है ना ज़्यादातर हर जिहड़ा भी लिखता बंदा ना उन्हूं सब तो पहलां गाउण दा शौक होगा लिखण दा बाद विच, सो मैनूं लगदा सी वी भी मैं लिखदा माड़ा मोटा लिखण दी ट्राई करदा, जे किसे दा गाना आउणा ते उन्हूं अपना समझ के गाई जाणा वी मेरा गाणा, ते इदां हौली हौली आपां स्टार्ट कीता लिखणा, ते एक चीज़ लिखी मान लो है ना तो सुनाई यारां दोस्तां नूं कहिंदे गुड आ है ना, ते फिर हौली हौली जदों गुड भी तुहानूं कोई कह दिंदा फिर हौसला हो जांदा वी स्टार्ट करदे आं आपां इस चीज़ नूं। तो फ्रेंड्स का तो सपोर्ट पूरा था मतलब? हाँ पूरा। फैमिली का कैसा सपोर्ट? फैमिली दा पूरा जी, मतलब कभी भी शुरू से कभी नहीं कहा कि कुछ और कर लो? नहीं नहीं कभी भी नहीं, शुरू तो फ्रॉम द फर्स्ट डे वो खुश होंदे सीगे, मतलब मान लो है ना अगर मैं कुछ चीज़ लिखता सीगा मतलब एक मेरी मम्मी जी की सपोर्ट रही हमेशा, मेरे ब्रदर की सपोर्ट रही, वो खुश होंगे मेरे, हाँ फादर साहब, हाँ हाँ जी मेरे बड़े भाई हैं, तो फादर साहब बहुत खुश होंगे जो गाने च नाम आता, तो उन्होंने सपोर्ट रही, वो कहते जो करना तू कर, मतलब कभी यही नहीं भी तू यही करेगा, मतलब इदा का कभी भी कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा सपोर्ट की उन्होंने, तो शायद उन्होंने दुआवां करके इतने बैठे, बिल्कुल उन्होंने दुआवां करके ही बैठे हैं, शायद नहीं उन्होंने दुआवां करके ही बैठे हैं, तो बस लगे हुए जी। हौली फिर तो पहला ब्रेक किमें मिला? तो
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰ ਭਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਤੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀ? ਮੈਮ ਅਗਰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਔਖਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਗਏ, ਸਟੂਡੀਓ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਗਾਣੇ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨੇ ਲਿਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਮੈਮ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਮੀ ਸ਼ੋਰੀ ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ 15 to 20 ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ 10 to 15-20 ਗਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 20-25 ਗਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੋ ਵੋ ਕਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਈਬ ਵੱਖਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ, ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਮਿਤ 15 to 20 ਗਾਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਬ ਇਹ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਆ ਫਰਮਾਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਆ ਕਿ ਨਾਮ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ? ਮੈਮ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਿਤ ਚੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਰੌਕ ਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਦਾ, तो गाना था सोने सोने सूट। सोने सोने सूट। अच्छा, तो ये जब आपने लिखा तो उनके अकॉर्डिंग या आपने खुद से ही गाना लिखा था? ये पहले लिखा हुआ था गाना। ये आपने पहले गाना पहले गाना लिखा हुआ था, बना हुआ था गाना, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं था कि हम उनको। आप उनसे मिले कैसे, आपकी बात कैसे हुई? मैम एक गाना बनया हुआ सीगा ते रॉक से म्यूजिक डायरेक्टर है ना उन्होंने कोले गाना बनया सीगा, बाई ने भी हमेशा बहुत हेल्प की, क्योंकि जदों ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ, ਰੌਕਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੋਹਾਲੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਕਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? ਮੈਮ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, 3, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਵੀ ਗਾਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਥਾ। ਓਕੇ, ਜਬ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਂ 2000 ਆਈ ਥਿੰਕ 18 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੋ ਬਾਏ ਬਸ ਆਤਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਰਹਿਤਾ ਥਾ ਕੇ। ਓਕੇ, ਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਘੰਟਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਦਿਲਾ ਦੇ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੋਂਸ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ,
उदों फिर उसके बाद नाम फरमान ही हो गया। उसके बाद फरमान, फिर बाय गॉड, क्योंकि जदों का नाम चेंज किया तो ठीक है, गुड आई। तो इसके साथ साथ आप कंपोज भी करने लगे, जैसा कि आपने बताया मैं यहाँ पे रहता था उनके पास में मोहाली में, तो आपने कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली इसके नहीं लिए? मैम, ये भी मैम कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कंपोजिशन के लिए भी कोई नहीं? किसी की भी नहीं होती जी, बाय गॉड होती सारी चीज़ें। लिखने की तो मुझे लगता नहीं होती तो जब कभी। आप लिखते हो तो हाँ ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि मैं कोई, आप कोई बुक्स पढ़ते हैं जैसे आपने बताया, या फिर कुछ जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, उसको हम सोच कर कुछ लिखते हैं, नहीं आपके केस में मैम, क्या है? मैं इतना कुछ नहीं का फीलिंग, ये फीलिंग है सारी। ओके अगर थानू किसी चीज़ तो वाइब आ रही है ना, सो तुसी अगर तुसी सैड हो तो तुसी सैड चीज़ सुनोगे, सैड बिल्कुल से लिखोगे। अगर तुसी हैप्पी हो, बीट करोगे अगर मैं, है ना, इदा। तो कुछ ये वास्ते आई थिंक मैं आज तक नहीं पढ़ी है जी, मैं अजे तक शुरू ही हुआ वैसे, है ना, भी अजे थोड़े गाने किए ने, तो मैं आज तक वैसे बुक्स नहीं पढ़िया कभी। हाँ अच्छा जी, बुक्स भी नहीं पढ़िया, बस उदे मैम जो वाहेगुरु कृपा करता तो सारा कुछ कुछ नहीं लोड़ पैंदी जी, सानू। तो रियल लाइफ में फरमान किस तरह से हैं? जैसे मैंने बताया कि कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं, आपने बताया कि मूड के अकॉर्डिंग शायद हम लिखते भी हैं, तो आपको कितना अफेक्ट करती है? ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं आप, कैसे नहीं, हैंडल होते हैं इमोशनल रियल ज़्यादा लाइफ? मैं थोड़ा, अच्छा, हाँ जी इमोशनल ज़्यादा इमोशनल है। थोड़ा ज़्यादा मैं, पर हाँ इमोशनल ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं की चक्कर है कि इमोशनली थोड़ा, अगर मान लो कोई भी इमोशनली 10 मिनट गल कर लवे तो आप हो जाएगा भी ठीक है भाई, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, हाँ तो इमोशनली थोड़ा होंगे, यदा नुकसान भी बहुत होंगे, होया भी कई बार नुकसान, बंदा इमोशनल करके अपना काम कड़ा के हो जाता, तो पर चलो कोई गल नहीं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा गाना था जिसने फरमान को एज अ लिरिसिस्ट एस्टैब्लिश कर दिया? मैम सोने सोने सूट, सोने 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 सूट, सोने सूट वो नाल ही आई थिंक हफ्ते बाद एक होर गाना होश आया जी। होश जी। हाँ वो निक भाई का गाया सी, बिल्कुल तो वो भी रॉक से भाई दे सी म्यूजिक एंड सोने सोने सूट का भी, वो दोनों गाने इकट्ठे आए थे मैं, तो वधिया सीगा जी वो होश दोनों। बहुत ही हाँ बेहतरीन बहुत गाना था, बहुत वधिया जी। तो हाँ उसको जब आप लिख रहे थे, फरमान मैं लुकी हंसदे वेखे दिन देखे मेरे ते क्यों आया नहीं? ना, पता नहीं ये चीज़ा उदा ही मैम समटाइम फीलिंग्स होंगे जो ऑब्जर्व करते हो, जो चीज़ा जो थानू लगता यार मैं उदा का लिखा, कभी हर एक बंदा फील करे उस चीज़ में, है तो ना। शूटिंग पे भी आप अगर गए थे? मैं शूटिंग पे नहीं गया सर, नहीं गए शूटिंग पे थे। नहीं गया सर, क्योंकि बाद में पता चलिया सर कि भी गाना शूट हो गया, तो शूट चल रहा से तो उदो आप होर प्रोजेक्ट से काम कर रहे थे थोड़ा। ओके हाँ जी, तो फिर ठीक सी मैं, क्योंकि मेरी ज़्यादा रॉक से भाई ना सी गल, है ना, अच्छा। तो वो जो रिक भाई वो रॉक से भाई नू जानते सी, तो असी उत्त काम ते लगे हुए से, उदो गाना बना रहे से, उधर शूट हो रहा सी गाना, तो असी उत्ते म्यूजिक वगैरह सारा बना रहे सी, प्यार दे बदले प्यार सी मंगया, होर होर ता तो मैं मैं कुछ कुछ आया चाया नहीं नहीं। फरमान में ये। लोकी जी, ये बहुत वधिया जी। ही खूबसूरत गाना था हाँ जी, ये। ये भी गाना जी मतलब कुछ चीज़ा ना उदे लिखा हुआ सी गाना, अच्छा। मैं बाइक ते जा रहा सी ते मैं रिकॉर्ड किया हुआ सी। अपनी आवाज में? हाँ जी, उदे रिकॉर्ड अच्छा। करके दा ना फोन च मैं रख लिया, ते मैं गाना बहुत जाने नू भेजिया, ते बहुत जाने नू भेजिया, ते किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता, ते मैं कहा ठीक है। ते उस तो बाद मैं गाना भेजिया भाई नू, तो वो कुदरती जिदा निक भाई स्टूडियो आए हुए सी, अच्छा, उनके स्टूडियो में आए हाँ, थे वो। तो उन्होंने कहा यार यार गाना सुना कि, तो वो खुद लिखते ने बहुत सोहना, तो लेकिन वो कहते भी ये गाना मैं करूँगा, जी। कहते भी ये गाना मैं करूँगा, देना नहीं किसी ने। अच्छा, निक ने खुद ये हाँ कहा। निक, हाँ जी, ओके। वो कहते असं कर आप कर रहे हैं गाने, क्योंकि वो खुद वधिया, उन्होंने गाने काफ़ी चले हुए ने, जी बिल्कुल। तो मेरे लिए भी शौक सी ये चीज़, तो रॉक्सी भाई लिए भी शौक सी, सारे लिए शौक सी भाई कि मैं ना, लेकिन वो गाना सोना अज भी तारीफ करते लोग उस गाने की, बिल्कुल। वो मेलेडी, वो फीलिंग, वो सैडनेस, वो गाना हर हर एक बंदे ते और वीडियो भी बहुत अच्छी बहुत है अच्छी, गाने बहुत की अच्छी, जी। बहुत तो अच्छी, बहुत अच्छी। ऐसा ही एक और गाना गोली, करण रंधावा, हाँ जी, उनके साथ कैसा बॉन्ड है आपका? नहीं क्योंकि और वधिया भी काफी सुरमा ते जी, मेरे वल मेरे वाले अजय जी। रिसेंटली आया, नहीं वधिया ने भाई ना वधिया प्यारा, ते वो थोड़ा अलग जोनर का गाना, होश नालों ते अलग। जी। हाँ जी, गोली गाना करण भाई नू भेजा सी, ते
वही कहते घंटा गाना आप करते हैं। तो करण उनसे आप कैसे मिले, करण रंधावा से? मैम इतने बाय सर्कल सर्कल में कुछ लोग होते हैं ना, जानते होते हैं, तो ऐसे बात हुई उनसे तो शुरू हो गया मेरा सिलसिला। तो ये गाना तब बहुत जल्दी आ गया सी, गोली आई थिंक 2 महीने के बीच आ गया सी गाना, मान लो आज मैं भेजा 2 महीने बाद रिलीज हो गया सी गाना। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे से गाने आपके पास पड़े होंगे आई एम श्योर अभी भी। हाँ जी, तो हाँ कोई जी। फिल्म लिखने का कभी सोचा या फिल्म लिखो तो जैसे फिल्म के गाने गा रहे हैं मैम। अच्छा, हाँ जी। शेर बग्गा में एक हाँ आपका जी, आया, हाँ जी, हाँ जैसे जी। जो शायद आपने पहली बार लिखा था गाना, मूवी का पहला गाना मेरा वो मूवी मेरा का पहला गाना नहीं, आपका लिखे गाना रहा। बहुत सारे थे लेकिन जो मूवी में हुआ मेरा वो फर्स्ट ट्रैक था। तो बहुत सारे गाने हैं अभी। तो मूवी के लिए आपको अप्रोच खुद किया गया था या कैसे आपने आगे आप गए, कैसे बातचीत मैम शुरू उही हुई? गल है, जो ना थोड़ा साथ देना किसी ने, परमात्मा ने साथ देना, तो थानू कुछ करने की लोड़ नहीं पैंदी, तुसी बस काम करना है ना। तुसी काम करोगे वो चीज़ ऑटोमैटिकली है ना, थोड़े थ्रू किसी के थ्रू वो जिथे चीज़ की जगह आ उत्थे पहुँच जाने। बिल्कुल। तुसी अपना काम करते हो, हुण बहुत सारे राइटर भरा ने है ना, वो अपना काम करते हैं तो वो बहुत कॉल्स आते हैं, भाई मैं गाना लिखा यार कोई मेरा गल नहीं करता है ना। हर एक ना इदा ही हों, कोई गल नहीं करता, लेकिन थोड़ी चीज़ वधी अगर तो उन्हें अपने आप अज नहीं 3 महीने बाद साल बाद वो चीज़ उत्थे पहुँच जानी मैम। आप मेहनत करते रहो, एक दिन फल हाँ आपको बिल्कुल जरूर बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, मेहनत करते रहो जी तो रब का नाम लेंदे रहो जी आप ही सब कुछ हो जाता, कोई लोड़ नहीं पैंती। तो वैसे आप किस तरह के गाने पसंद करते हैं सुनना? मैम ज़्यादा रोमांटिक, अच्छा। सैड रोमांटिक बीट, मैं जिदा का उही तुम दसा जिदा का मूड है बिल्कुल। ना। जे थोड़ा तुसी थोड़ा दिन की शुरुआत उदा दी है ना, थोड़ा तुसी लो फील कर दो या कुछ, फिर तुसी उदा के गाने सुनोगे ना। अगर थोड़ा जोश आए फिर तुसी कहोगे गोली गाना सुनते। जी तो जैसे आपने फिल्म के बारे में बताया कि उसमें आपका गाना आ रहा है अभी तो शेर बग्गा में, जी तो बाद में आप कोई फिल्म लिखने का सोच रहे हो? फिल्म में होता है स्क्रीन प्ले, स्टोरी या डायलॉग्स, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा रहेगा अगर कभी चांस मिला? मैम मेरी नॉलेज नहीं है जी, टू बी फ्रैंक, अच्छा, कभी क्या मैंने बहुत जाने ने कि फिल्म कोई के फिल्म कोई क्यों नहीं स्क्रिप्ट लिखता। लिखो। हाँ कुछ स्क्रिप्ट लिखो है ना, क्यों नहीं लिखता, तो हजे ये बारे भी नॉलेज होनी जरूरी है। जिदा हूँ गाने बारे नहीं सी नॉलेज किदा लिखी अच्छा। दा है ना, वो हौली हौली लिखन लग पे, विद अगर टाइम। जे रब ने चाहे तो फिल्म केड़ा वड्डी गल है, वो भी लिखा देनी जी जे मालिक की मर्जी हुई, जे नहीं लिखवानी तो नहीं, ट्राई करांगे जरूर इन और भी फ्यूचर। तुसी कई गाने लिखे जिवें कुंगरू, गुस्सा हाँ जी और सिमरन अरूला, और हाँ जी उनके साथ जी भी जी एक गाना आपका आया जब हाँ उनके जी एंगेजमेंट के टाइम जी पे, जी 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 तो सबसे ज़्यादा टाइम किस गाने को लिखने में लगा? मैम किसी गाने नूं टाइम नहीं लगता। अगर तुसी कोई गाना लिखना, अगर थानू वाइब आ रही गाने चो, थानू लग रहा भी मेरे मतलब दा गाना है ना, तुसी उन्हों अद्धे घंटे च कंप्लीट करके रख सकते हो। अगर जे तुहानू लगता यार मैं मान लो मैं इंग्लिश गाना लिखना ना, मैं पंजाबी लिखता ना, अगर मैं इंग्लिश गाना लिखना मैनू पता यार वो मेरे जोनर का नहीं है, वो फिर पता नहीं किन्ना चिर लग जाना मैनू बिल्कुल। है ना। वो चीज़ा ने समटाइम होंगे कि भी टाइम काफ़ी लग जाता है कि कुछ गाने होंगे आप सोचते यार होर वधिया कर दें होर वधिया कर दें। तो कोई इंस्पिरेशन है फिर मान के किसी को देख के कि हाँ ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ या आने वाले टाइम में ये मेरी इंस्पिरेशन है, जिनको आप देखते हो, फॉलो करते हो? मैम सारे इंस्पिरेशन सारे जिमें, हाँ लिरिसिस्ट। जी, क्योंकि हैप्पी राय कोटी भाई बहुत सोहना भाई नो है ना, उन्होंने कॉम्पोजिशन लिख दे बहुत सोहना, जानी भाई उन्हें बहुत घेंट, और भी काफ़ी ने है ना, मैं दलजीत चिट्टीवाई जी इन्हों का नाम लिया जी। जी। हाँ उन्होंने तो भी मैं सीखा, उन्होंने तो भी सीखा मैं है ना, किदा भाई काम करते हैं, की तरीका है भाई का है ना, मतलब सीखता बंदा कि देख के सुन के सीखता है ना, कोई सारे सारे वधिया ने जी, तो सारे तो सीखते हैं आप कुछ ना कुछ। तो अगर कोई अगर मान लो कोई अज है ना, मान लो तुसी कोई गाना लिखा है ना मैनू अच्छा लग्या, मैं तुहाडे तो भी सीखूंगा यार इन्ना सोहना किदा लिख लिया। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि शुरू में आप गाने गाने का पहले आपको शौक था, तो फिर आपने नहीं सोचा कि मैं अब एज अ सिंगर भी ट्राई करूं? मैं हूँ सोच रहा हूँ, अच्छा। हाँ जी मैनू एक दो जने ने कहा भी हूँ ट्राई कर ला,
ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਆ ਪਲਾਨ ਬੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਰਹੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਮੇਂ ਲੇਕਰ ਚੱਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ। तो एक स्पेशल सा सेगमेंट है आपके लिए, क्योंकि आप इतना अच्छा लिखते हो तो मैं कुछ चुन चुन के शायरी लेके आई हूँ। ये मैं शायरी बोलूँगी लेकिन इसकी सेकंड लाइन जो है वो आपको चेंज करनी है। ओके ओके तो ये पहली शायरी है, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, जो दर्द मिले हैं उन पर आयोडेक्स लगाते रहो। तो इसकी सेकंड लाइन आपको चेंज करनी है। आयोडेक्स की है? हाँ, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, इसके अब बाद आपको चेंज करना है। जलने वालों को जलाते रहो। नाइस, वेरी थॉटफुल, थैंक यू। हवा चुरा ले गई मेरी शायरी की किताब, हवा चुरा ले गई मेरी शायरी की किताब, देखो आसमां पढ़ के रो रहा है बेहिसाब आज। हवा चुरा के लेगी मेरी शायरी की किताब, हमेशा जिंदा रहेगी लेकिन उसकी याद। नाइस, ये एक्चुअल में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ। जी वो आपको थोड़े मीटर बढ़ा। हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कल उसके बाप ने मारा था आज भाई आए हुए हैं। हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, जरा खोलो दरवाजा हम बाहर आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि एक दोस्त है, वो मैं बाद में बताऊंगा, तो वो कौन दोस्त था और हमेशा जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? दोस्त काफी सी लेकिन कुछ होंगे ना थोड़े मतलब जान ही ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਹੀ ਆ ਵੀਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਨਾ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ 500 ਬਾਈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ 500 ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ। तो फरमान, जब आपने एक अपने दोस्त का जैसे मेंशन किया, तो कुछ और लोग भी होते हैं जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं, हमारी टॉप लिस्ट में होते हैं कि अगर हम दुखी हैं या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम के साथ बातचीत करते हैं, या कोई गाना आपने लिखा होता है, कुछ इमोशनल सैड सॉन्ग है, कुछ बहुत ही हंसी मजाक वाला गाना है, तो किसको सबसे पहले सुनाते हो और वक्त के साथ वो जो लोग हैं वो किस तरह से बदलते रहते हैं? ਮੈਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ, ਲੋਕ ਫਿਤਰਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜੁਨ ਵੀਰਾ ਨਿਕਾਹ ਗਾਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਆ ਆਪਣਾ
अर्जुन कुणाल हो गया, वो भाई म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्ना वधिया प्यारा काफ़ी ने साहब भी दादा दसता, बाकी जगह का रह गया पता नहीं, चिट प्रतीक चिट्टी भाजी काफ़ी ने जी काफ़ी ने। ट्रेंड सेटर जिहदे नाल मैं शुरू किया सीगा रॉक्से भाई, ट्रेंड सेटर ने मैं शुरू किया पहला जी पहला गाने बनाए थे उन्हें, फिर रॉक्से भाई काफ़ी बंदे ने, होर स्किप हो गया हो माइंड च सॉरी, बाकी जिन्हें रहे आते वधिया रहे अज भी नाल ने, कोई कुछ इदा का नहीं गा कभी भी आया कभी अगले च जैल सपैक्टर आवे जा अपने जावे, नहीं जो नाल ने वो नाल ने। तो जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स हमेशा शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, जी तो अब जब टीवी पे गाना आता है या यूट्यूब पे उस पर लिरिसिस्ट लिखा होता है, आपका नाम होता है फरमान, जी तो अब उनका रिएक्शन क्या होता है? बहुत खुश होंगे ने, सीरियसली बहुत खुश होंगे ने, क्योंकि वो पूछते हैं पहला मैं तो फोन पे अगर गल कर भी अगे गाने किए हुए ने, कहते रुकना नहीं, जे तू चल पाया तो हूँ रुकना नहीं, जे कोई दिक्कत परेशानी है तो सानू दस पर रुकना नहीं, रिएक्शन बहुत वधिया होंगे जो मैं मतलब पोस्टर आता ना कोई मैं भेजदा उन्होंने तो खुश होंगे ने, वो पूछते ने बार बार फोन करके किन्नी तरीक नूं आना, अच्छा मेरे फादर साहब ज़्यादा थोड़े करते हैं, उन्होंने होंगे टीवी पर गाना क्यों नहीं आया कुछ गाने ना यूट्यूब पर रिलीज हो जाते, बिल्कुल तो लेकिन उन्होंने ये होंगे भी डीजे डूजे वाला गाना कर कोई भंगड़े वाला मैं कोई ना कर दिया झांजर गाने जिम्मे हूँ चलता डीजे तो वधिया है ना, सोचा नहीं सी वो इन्ना चलूगा गाना पर वधिया चलता तो वधिया फील करते करते सारे खुश ने, वधिया ब्रदर वो खुश है सिस्टर सारे खुश ने जी, हमेशा सपोर्ट की है सारे खुश ने जिन्हें रिलेटिव ने भूआ अनुसार सारे खुश ने जी, को शाबाशी देंगे दे कभी कुछ इदा नहीं कभी कभी छड़ दे लाइन या कुछ, वो खुश होंगे मेरे तो वह उन्होंने चाह हों मेरे तो वह एक्साइटेड वो होंगे ने भी कदों आ रहा, जो हूँ मान लो वधिया वधिया आर्टिस्ट ना गाने होंगे मूवीज हूँ आने तो एक्साइटेड ने तो पूरा कभी किसी फ्रेंड ने नहीं कहा कि मुझे उस स्टार से मिलवा दो? बहुत कहते स्टार तो नहीं कहते मतलब इदा कहते भी है ना कि यार फरमान ना मिलना अच्छा कभी यार फरमान ना हूँ घर मान लो कभी रिलेटिव से गाँव दे गाँव दोस्त दोस्त है ना कि वो जो उन्होंने तक चीज़ पहुँची फिर दसते हैं यार ये वो मुंडा, तो फिर उदो कहते यार फरमान ना मिलना मिली दा कहता कोई चक्कर नहीं, मैं तो आप जाके मिल लेना उन्होंने नहीं मिलना कहने मैं उन्होंने मैनू मिलो बिल्कुल, एक इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ ही बिल्कुल रहना इतने चाहिए। चीज़ा जिन्ना क एक्सपीरियंस हो गया ना माड़ा मोटा जो कुछ भी है, जे थोड़ा चीक हो तुसी अज भी खत्म कल भी खत्म, बिल्कुल जो थोड़े सिर ते जे कोई चीज़ हावी होगी ना फिर नहीं फिर तुसी खत्म है, अगर जिन्ना तुसी हम्बल रहोगे जिन्ना क्योंकि हमेशा माड़ा टाइम याद रखना चाहिए है ना, बिल्कुल हुण मान लो मैं अज सभी नूं कहां वीरे यार नहीं यार कोई मैं निक्की गल फड़ लवां या कुछ कह दवां यार नहीं, लेकिन उत्थे मैं माड़ा क्योंकि मैनू याद है यार उस बंदे ने जो मेरे लिए किया है ना, वो चीज़ा इस करके भी आराम ना चलो नीवे रह के चलो तो सब कुछ मिलता जी, इतने कोई इदा की चीज़ नहीं जी तुम नहीं पा सकते सब कुछ पा सकते अगर थोड़ी नीयत वधिया है ना, नीयत सब तो मैटर करती नीयत नीयतां नूं मुरादां है ना, बस यही चीज़ा ने जी बस नीवे रहो तो बस रब का नाल हो जिन्ना लै दे। सो आपको क्या लगता है कि एक लिरिसिस्ट होना किस तरह से चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, या क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल आई है इस मैं पूरी जर्नी में हजे तक जर्नी अभी मैम तक? स्टार्ट हुई है हजे तक मैम कुछ भी नहीं किया चैलेंजिंग कुछ नहीं, मैम बस कभी कभी निराश हो जाता बंदा कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, मान लो किसी का गाना आ रहा या मेरा क्यों नहीं हो रहा है ना, तो कभी कभी होंगे यार मैं भी तो लिखता ही हाँ यार मैं भी तो मेहनत करता ही हाँ, लेकिन वो कुदरती होंगे चीज़ें है ना जिद हैपन होने वो होने ही हैं, हूँ सोहने सोहने सूट का अगर मैं जिक्र करा तो मैं घरे जो मैंने बाई का फोन आया कभी वो गाना गा गया कहता निमृत कह रहा जी गाना गा गया, मैं कहा अच्छा, अच्छा तो मैं घरे सीगा तू कहते कंप्लीट कर दे गाना मैं भेजता है ना, क्योंकि मैं सोचा नहीं सी भी वो गाना वो गाऊंगे है ना, कि उन्होंने गाना गाता वो वधिया चल गया तो कोई चैलेंज रहा नहीं कि बस इसे अपनी चीज़ वधिया होनी चाहिए है कि भी तुसी मेहनत ना बनाई हो ना
ਕੱਲੀ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਰਿਸਿਸਟਸ ਹੈ ਤੋ ਸਭ ਆਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਨੌਲੇਜ ਜਿਤਨੀ ਬਾਂਟੋ ਉਨੀ ਬੜਤੀ ਬੜਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਗਏ ਗਏ ਉਨੇ ਤੇਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। तो फरमान, और भी कोई फैमिली में लिखता था? जैसे आप इतना अच्छा लिखते हो तो वो जीन्स में भी कई हमारे होता है जी, कि हमारी ब्लड में ही वो पोएट्री होती है या शायरी जो हम करते हैं कुछ लिखते हैं, तो कोई और भी घर पे लिखता था? नहीं मैम, कभी भी नहीं। गाने सुनते जरूर होंगे, है ना, फादर साहब ने जो शौक है गाने का वो सुनते, लेकिन घर लिखता तो कोई नहीं सी, मैं ही हाँ पहला जरा माड़ा मोटा लिखन लग पाया, नहीं तो नहीं कोई नहीं सी। सारे गाने सुनना पसंद करते सारे, कि कोई गाना आता है ना सारे सुनते जरूर, लेकिन इदा नहीं सी कुछ। फरमान, घूमने का भी शौक है? क्योंकि यूजुअली जो राइटर्स होते हैं वो आसपास के नज़ारे देखकर या उस हिसाब से भी लिखना शुरू करते हैं कुछ, क्योंकि जब हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें तो हमारी उतनी ही नॉलेज बढ़ती है या उतना ही हम ज़्यादा लिखने का। मैं ट्राई किया, मैं क्या सीगा, मैं तो कुणाल ते साबी असी गए सी, है ना, असी लैपटॉप वगैरह लै गया सीगा पहाड़ां जाके गाने बनाने। अच्छा, ते उत्थे गए तां कुछ इदां दा होया नहीं, लैपटॉप ओपन किया ते बाद च बंद करता, 2 मिनट बाद स्टोरी पाई भाई ने नाल ही बंद, इदां दा मैं कुछ नहीं। मैनूं लगता बट कई बहुत सुकून मिलते, कई राइटर लिखते भी आगे पहाड़ां च। तो आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट अगर हो तो किस तरह का वो माहौल पसंद है जब आप लिखने बैठते हैं? थोड़ी शांति मैम, शांति, थोड़ी शांति होना जरूरी है, थोड़ा एनवायरनमेंट किदा का वो जरूरी है अगर लिखना तो, बाकी वाइब किदा का गाना लिखना तुम ये चीज़ जाने कभी कुछ इदा का नहीं गा मैम। वैसे मैं कई गाने मैम बस च भी लिखने बह के, है ना, पेपर च भी लिखा गाना याद आ गया, है ना, एग्जाम च भी गाना लिखा। अच्छा, एग्जाम में किसी आंसर की जगह तो नहीं गाने लिख दिया? लिख दिया मैं, अच्छा आंसर की जगह लिख दिया था। ओह माय गॉड, और मैंने कौन से सब्जेक्ट का वो गाना मैं याद नहीं मैंने, है ना, याद नहीं, ग्रेजुएशन था कोई पेपर। तो फिर टीचर का रिएक्शन क्या था? मैं पता ही नहीं लगा। अच्छा, पास हो गया जी मैं गाना लिखने के बाद भी? तो शायद टीचर को आपका गाना पसंद आ गया होगा। मैंने ना वो गाना क्वेश्चन पेपर पे भी लिख लिया था और पेपर में भी लिख दिया था, क्योंकि मैं ना वो शीट कंप्लीट करने आ गया। हां, ना कहंदे अभी वो शीट सारी भर दो, कोई कहंदे शायद नंबर दे देंगे। तो क्या लिखा था, कुछ याद है आपको उसके? अगर 2 लाइन कुछ सुना दो। कुछ नहीं, कुछ नहीं याद, बहुत पुरानी गल है। ओके, याद नहीं। कोई मैसेज आप सब व्यूअर्स को देना चाहो? मैम जेडे मेरे भरा लिखते हैं खास करके, वह बस लिखते रहो, है ना, कोई बई मैसेज करते, फोन करते, है ना, कि यार बई साडा कुछ होंगे नहीं, है ना, टाइम लगता चीज़ा, टाइम मंगदियाँ ने, बाकी एनी टाइम करो कॉल कूल जो करनी चाहिए, आप सलाह देवे बई यार इदा नहीं तू इदा कर ला, है ना, तू इदा नहीं इदा कर ला, शायद तेरी किस्मत होया, शायद तेरा है ना वधिया हो जाए सिस्टम, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮੀਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਰਮਾਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਸੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਗੀਤ ਆਪ ਲਿਖਤੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਫੋਰ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ। थैंक यू, थैंक यू। आई होप रियली आप जल्दी से जल्दी अमरिंदर सर के साथ भी आपका एक गाना। जरूर जरूर जरूर।